शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। गाड़ी में पीने का सारा मजा ही कुछ और है। अरे चलती गाड़ी में तो कुछ भी करने का मजा ही अलग होता है, और अगर साथ में कोई हसीना हो तो साला पीने का मजा ही चार गुना बढ़ जाता है यार। ना ना ना, लड़की की बात मत करना, लड़की के चक्कर में साला बड़ों बड़ों की बात लग जाती है। घरवाली की मिस कॉल है क्या? करतार जी, घरवाली की नहीं है, ये उस वाली की है। व्हाट्सएप पर फोटो भेजा है। फोटो? हाँ। ये व्हाट्सएप? हाँ। ये क्या होता है व्हाट्सएप? करतार सिंह जी, व्हाट्सएप एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा कोई भी फिल्म, कोई भी गाना, फिल्म का मतलब समझ रहे हो ना, कैसी भी फिल्म एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आसानी से भेजी जा सके है। जी मेरे मोबाइल में तो ये सुविधा नहीं है। करतार जी, ये सब महंगे मोबाइल में होता है। मैं तो कहता हूँ आप एक मोबाइल ले ही लो, अब तो बुढ़ापा आ गया। इस महंगाई में घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, ये व्हाट्सएप। अरे जब तक अपनी ड्यूटीज नए दरोगा के साथ रहेगी, अपना घंटा भी हाथ नहीं लगना, ना तो खुद खा और ना ही हमने खान दे। इस रोड पे खड़े खड़े थक लिए, कुछ नहीं मिला। और भाई क्या बातें चल रही है? बस कुछ नहीं साहब, मजाक कर रहे। ये सब लोग आपकी ईमानदारी से ही परेशान है। मेरी ईमानदारी से अकेले तुम लोग परेशान नहीं हो, सारे लोग परेशान है। नेता भी परेशान है, मंत्री भी परेशान है, और तो और मेरे घर वाले परेशान हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये ईमानदारी वो ताकत देती है कि नजरों से नजरें मिलाकर बात करने की ताकत, सीना उठाकर बात कर सकते हो, कभी नजरें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? सर हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे सर। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बचना घंटा भी नहीं। ईमानदारी का कीड़ा लगा हुआ है। छोड़। चार पैसे कमाने का टाइम था, वो भी गया है। जिंदगी झंड हो चुकी है। बाबा जी का ठुल्लू मानो इसको। मुझे तुम लोगों के बकवास में शामिल नहीं होना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया या तो कोई मारा जाएगा या फिर पुलिस। पुलिस किसका नाम ले दिया, साला सारा नशा ही उतार दिया। अबे क्या अब इन पुलिस वालों से भी डरना पड़ेगा क्या? ये तेरा मुंबई नहीं है, ये नया इलाका है। यहाँ हमारी पुलिस वालों से कोई जान पहचान नहीं है, इसलिए जिस काम के लिए आए हो उसको कर डालो। हाँ भाई ये ठीक कह रहा है, चलो चलो जल्दी निकलो।
साहब, किसी मंत्री के आने जाने की सूचना है या कोई गुंडा वुंडा आ रहा है? सुबह तक खड़े हैं। हमारे लिए तो मंत्री हो, नेता हो या गुंडा हो, सब मुसीबत लेके ही आते हैं। सबके पीछे दौड़ना पड़ता है। चोर हैं साले। ये लो, ये लेकर जाओ। और कोई भी आदमी और कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के निकलनी नहीं चाहिए। जी साहब। पुलिस! अरे तेरी तो ये तुमने यहाँ क्या कर रहे हैं? गाड़ी घुमाऊं क्या? नहीं नहीं, सीधी ले। चिंता मत करो साहब, ये बजा कर रख देंगे। अरे ये सामने तो कौन आने लग रहे हैं? मैं रुकाता हूँ। अबे रोको 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 रोको। डोन कितना आ गया? क्या है डोन? अबे गाड़ी पे डोन लिखवाना था, डोन बन जाए के तू है के डोन? तो हमें जानता नहीं है, नहीं तो हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत ना करते। तू तो साले सकल दे ड्राइवर दिख है, तू डोन है के? ये दिल्ली है दिल्ली, यहाँ तक आते आते अंग्रेजों की हवा निकल गई थी। तू किस खेत की मूली है? चल कागज लेगा, चलो जल्दी जल्दी कागज लेके आओ, जल्दी कागज लेके आओ, चलो। घंटे के डोन है, फुक रहे हैं साले, बियर बाज है। कर कागज लेके आ ले। पीछा करो। हाँ शंकर भाई, तो सारे भागो, चले आशीन, जल्दी भागो, पुलिस इधर आ रही है। पकड़ो इनको। रुक, एक प्यार सारे को। सामने आ गया। क्या बात है साहब, गाड़ी में कोई गैर कानूनी माल है या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, अभी तक इस गाड़ी में 3 आदमी थे। अरे इसमें तो कोई नहीं है। ये मुझे भी दिखाई दे रहा है, इसमें कोई नहीं है, पहले बाहर निकल। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, वो गाड़ी किसी और की होगी। गलत फहमी बाद में दूर होगी, पहले बाहर निकल। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा। हंसाता हूँ, रुलाता हूँ, प्यार से सहलाता। अगर जगीरा से कोई गद्दारी करे, उसे मौत की आगोश में सुलाता हूँ। कौड़ी का गुंडा हमारी बचा कर चला जाता है। अच्छे दिन आने वाले, ये मार्केट ये लोगों की महंगाई से यूं ही बचाता रहता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। धत!
की धड़कन हो तुम, खूबसूरत हो तुम, मेरे मन मंदिर की एक मूरत हो तुम, ओ पिया, love is forever, love is forever, love is forever. कृष्णा की माँ जी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। ठीक है जी। कृष्णा को खेतों पर भेज देना। ठीक है, भेज दूंगी। कृष्णा, ऐसे क्या देख रहा है? सुबह से कुछ काम भी किया है या फिर बांसुरी बजा रहा है? हाँ पिताजी, मैंने सारा काम कर दिया है। सारा काम कर दिया है? क्या देख रहे हो पिताजी?
मैं देख रहा हूँ कि आज सूरज किधर से निकल रहा है। जो तूने सारा काम निपटा लिया है। क्या बात है चाचा, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की तो बात ही है कि आज कृष्णा ने सारा काम ही निपटा लिया है। जरा मैं भी तो देखूं क्या काम निपटाया है। क्यों बेसाले, तुझे अपने बाप को झूठ बोलते डर नहीं लगता? अगर झूठ नहीं बोलता तो आज पिताजी मुझे बहुत मारते। और जब उन्हें सच का पता चलेगा तब? जब सच का पता लगेगा तब तक तो मैं घर पहुंच चुका हूँगा, और घर पे बचाने के लिए मेरी माँ भी तो है। कृष्णा, ओ कृष्णा, भाग। हाँ भाग। भाग क्यों, कोई आंधी आ रही है क्या? आंधी नहीं, तूफान आ रहा है वो देख। और यहाँ पे तुझे बचाने के लिए तेरी माँ भी नहीं है। अबे भाग। अरे भागना कहाँ है, जरा रुक तो सही। चल भाग, कहाँ तक भागेगा? तुझे देखो नाक में दम कर दिया। चल भाग भाग, कहाँ तक भागेगा, आज तेरी खैर नहीं। माँ कुछ खाने को दो ना, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। पहले ये बता, तूने आज खेत में कुछ किया कि नहीं? माँ सब बताता हूँ, पहले कुछ खाने को तो दो। ठीक है लाती हूँ। भगवान, ओफो, कम से कम खाते वक्त इसे छोड़ दिया कर। ये ले खा। अपने हाथों से खिला दो ना। चल ठीक है, खिला खिला इसे। जरा घी सब्जी में ठीक से डाल देना, बेचारा थक गया होगा। क्यों जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक ही तो बोल रहा हूँ, बेचारा सारा दिन गाय भैंस नदी तालाब पेड़ पौधों को बांसुरी बजा के सुनाता है तो थकेगा नहीं। माँ पिताजी मुझे ताने मार रहे हैं, देखो ना। ताने नहीं मार रहा हूँ, मैं तो तेरी तारीफ कर रहा हूँ। बेटे जिंदगी चलाने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, खाली बांसुरी बजाने से काम नहीं चलेगा। आप भी ना बस पीछे ही पड़े रहते हो मेरे बच्चे के। ठीक है जो करना है करो। हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे घूर रही हो, सब खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत तो ठीक है, आपकी याददाश्त को क्या हुआ? मेरी याददाश्त? अपनी बिटिया शहर से आने वाली थी, आपको कुछ याद है या नहीं है? ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बात मैं भूल कैसे गया? आज तो मुझे मार ही डालेगी, मैं अभी एयरपोर्ट जाता हूँ। बिल्कुल मार डालेंगे। पापा आजा 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 मेरा बच्चा, कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ, बट आप हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। किसने कहा कि आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते? अगर आप हमें प्यार करते ना तो हम एयरपोर्ट लेने आते। सॉरी बेटा, पर ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते। बेटा हम तुम्हारी एक छोटी सी खुशी के लिए इस दुनिया में आग लगा सकते हैं। अजी सुनो, सारा प्यार यहीं जताओगे? यहीं खड़े रहोगे क्या? कल के लिए भी कुछ रख लो, चलो अंदर। चलो बेटा।
अरे ये कौन है भाई? अबे कौन है तू? अबे क्या देख रहा है इधर? अबे हटना। अबे झंडू इधर आ। चल 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 हट। अबे देखने देना। अबे क्या देख रहा है इधर? अबे क्या देख रहा है अंदर? अबे गुंगा क्या बहरा तू? अबे चोर है क्या? अबे नहीं नहीं मैं चोर बोर नहीं हूँ। और कौन है यहाँ? क्या देख रहा था? मैं तो आइटम देख रहा था। वो आइटम कहाँ से आ गया? उसकी पतली पतली कमर और उसके रसीले होंठ। आए क्या आए राठौर साहब, ये डॉली मैडम की बात कर रहा है। वे झंडू, अबे हमारी बीबी को देख रहा क्या? बीबी? अबे बिना दांत वाले को अखरोट। रुक 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 गलाम कर। क्या हुआ जी? कौन है? क्या ड्रामा था? शोर कैसा था? कोई नहीं, कुत्ता था भाग गया। आप बाहर क्यों आई? क्यों, मेरे बाहर आने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं मैं तो बस वैसे ही। नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैं जब भी घर से बाहर आती हूँ तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत हमारी कहाँ तबीयत, तो पड़ोसियों खराब हो जाती है। क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो? जोर से बोलो। मैडम जी, राठौर साहब की आपके सामने आवाज। अब अंदर भी चलोगे कि यहीं पंचायत करोगे? चलो जी चलो, सुंदर बीबी भी जी का जंजाली है। रखवाली भी करनी पड़ती है। दीदी क्या है? उठिए, सुबह हो गई है, 9 बज गए हैं। चाय रखिए, चाय पी लीजिएगा, ठीक है?
कौन हो तुम और मरना क्यों चाहती हो? अरे कौन हो तुम और मरना क्यों चाहती हो? मैं मरना नहीं चाहती। तो यहाँ पानी में क्या कर रही हो? मैं वो बस, तुम्हें क्या, तुम कौन हो? अरे एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और धन्यवाद कहने के बजाय मुझसे नाराज हो रही हो। थैंक यू। थैंक यू? अरे कौन हो तुम और अपना नाम तो बताती जाओ। ठीक है काम हो जाएगा। बोला ना काम हो जाएगा। फोन रख, फोन रख। आइए आइए धीर सिंह जी आइए। आज कैसे आना हुआ? रणवीर जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। अरे भाई हम कहाँ जाएंगे, आइए। हाँ हाँ ठीक है, ये बोला था ना तुझे काम हो जाएगा। अरे यार समझा करो बात को। और सुनाइए धीर सिंह जी कैसे आना हुआ? रणवीर जी हम आपके पास कई बार आ चुके हैं, ये हमारे पुरखों की जमीन है और हम इसे बेचना नहीं चाहते हैं। और हम उसे किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। चौधरी साहब हम तो आपके पास प्रार्थना लेकर आए थे। चलो देखते हैं। धन्यवाद चौधरी साहब। लाखा जी। चौधरी साहब जगीरा का माल तैयार है? माल तो कब का तैयार है चौधरी साहब, आपके हुक्म का इंतजार था। सिवा को ले जाओ और डिलीवरी दे दो। जी मालिक। सिवा जी चलो। आओ शंकर भाई आओ। लाखा जगीरा भाई तुमसे बहुत नाराज है। ऐसी कौन सी गलती हो गई है भाई? लाखा जो तुमने अब की बार माल भेजा था वो बिल्कुल बेकार है। नहीं ऐसी गलती नहीं हो सकती। लाखा बेगानों में सगा और धंधे में दगा ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हाँ भाई हाँ तुम ठीक कहते हो, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर बिल्कुल नहीं भाई। लाखा जो आदमी उड़ना सिखा सकता है वो पर काट भी सकता है। ओ, तो तू मारेगा मुझे? हिम्मत है तो चला गोली। तू तो गया। अरे शिवा अरे गोली तो चली नहीं और बंदा फिनिश। अरे शिवा अरे तू तो जवान हो गया रे, लगता है तेरी शादी करनी पड़ेगी। हाँ मेरे गले लग जा। चल छोटे
कृष्णा, सब इसी नाम से बुलाते हैं हमें। चाहो तो आप भी हमें इसी नाम से बुला सकते हो। हमें क्या जरूरत है तुम्हें बुलाने की, बस तुम ये बांसुरी मत बजाया करो। अच्छा लगता है हमें, और हमारे साथ साथ इन वादियों को भी अच्छा लगता है। लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता। क्यों? ये बांसुरी तो प्यार का प्रतीक है, राधा और कृष्णा के प्यार की निशानी। इस बांसुरी की धुन में प्यार की तरंगे निकलती है। ये सब हम नहीं जानते, पर तुम ये बांसुरी बजाना बंद करो। हमारी बांसुरी से जलन होती है क्या आपको? तुम्हारी बांसुरी की आवाज से मुझे कुछ। क्या? कुछ नहीं। अबे यार, मेरा नाम क्या है? मुझे नहीं पता। बता दे भाई, बता दे। हाँ, चोपड़ा। तुम्हारा नाम चोपड़ा है? चोपड़ा, मेरा चोपड़ा। मैं चोपड़ा। चोपड़ा। लैला लैला मेरी लैला, हाय हाय, आ गई मेरी लैला। ओए होए, कितना गुरूर है हसीना तुझे अपने इस काम पे। आशिक तो मर भी जाते हैं बस एक तेरे नाम पे। चल हट। कम्बख्त चाय से भी मीठी हो जाए मेरी जिंदगी। ओए होए होए, बार नाम तो ले झुमरू कंगा अपनी जुबान से। अच्छा, सुबह सुबह फिर शुरू हो गया तो कोई काम नहीं है क्या? चल चल, झाड़ू लगा। ये घर तो क्या, इस झाड़ू से हम सारी दुनिया साफ कर देंगे। तू गलती पे गलती करे हसीना, हम तेरी हर गलती माफ कर देंगे। अच्छा, मेरी झुमरी लो, ले ले। तुम्हें कहा था ना बांसुरी नहीं बजाना, तो क्यों बजा रहे हो? तुम्हें मेरी बांसुरी से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ तुम ये बांसुरी नहीं बजाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बांसुरी से तुम्हारी तरफ खींची चली आती हूँ। फिर तो मैं जरूर बजाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। पता नहीं क्यों, पर तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब क्या है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं? जब दो दिल एक दूसरे से मिलने को बेताब होते हैं तो समझो प्यार हो जाता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं। ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं होता तो तुम इस समय मेरे सामने खड़ी नहीं होती। एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, तुम्हारा हाल भी मेरे हाल जैसा है।
सच कह रहे हो कृष्णा, मुझे भी हर जगह तुम ही नजर आते हो। सच में प्रिया? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। सच प्रिया? हाँ कृष्णा। मेरा नाम क्या है? बल्ले बल्ले चल निकल। बल्ले 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 बल्ले। तेरी आस सतौंदी रातां नूं उठ उठ के तेरी आस सतौंदी। मैं भूल गया सब कुछ
प्यार का मुजरिम हूँ, अफसाना कहता है दिल तेरी मोहब्बत में, दीवाना रहता है। रातानों उठ उठ के तेरी आस तों दिए, रातानों उठ उठ के तेरी आस तों दिए। विक्रम मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसा है? बहुत हो गया ना, अब ये नौटंकी बंद कर। नौटंकी? नौटंकी नहीं तो और क्या, पिछले 6 महीने से मैं जेल के अंदर हूँ, एक बार भी तू देखने नहीं आया। तूने सोचा? वो तो साला गया जेल के अंदर, वो साला घोंचू शिवा, एक नंबर का बेवकूफ, रास्ता तेरा हो गया। हा? अरे भाई, तू तो मुझसे खमा खा नाराज हो जाता है। नाराजगी छोड़, और ये बता काम क्या है? काम की बात यह है कि आज शाम को होटल के पीछे खंडाला में माल की डिलीवरी देनी है। अच्छा, डिलीवरी देनी है, चलो देखते हैं। मालती, ओ मालती। जी माँ जी। इधर आ, अभी आई। जी माँ जी। ले ये पर्ची, ले बाजार जा और ये सामान लेके आ। जी माँ जी, अभी लाई। हम भी जाएंगे बाजार। तुम क्यों जाओगे बेटा? क्योंकि हमें कुछ काम है। क्या काम है बेटा? है कुछ, और वैसे भी हम घर बैठे बैठे बोर ही हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी ही घर आना बेटा। ओके मम्मा। हाँ। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जानती हूँ, पर क्या करूँ, हजारों बहाने बना के आना पड़ता है। सिर्फ मुझसे मिलने आती हो? नहीं, अपने लिए भी आती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। हाँ प्रिया, मेरी हालत भी उस पपीहे की तरह हो गई है जो पानी की एक बूंद के लिए बारिश का इंतजार करता रहता है, जिसकी निगाहें सिर्फ आसमान पर टिकी रहती हैं। ठीक उसी तरह मेरी निगाहें भी तुम्हारे इंतजार की राह में लगी रहती हैं। हम कब तक चुप चुप कर मिलते रहेंगे? किसी दिन घर वालों को पता चल गया तो? अच्छा ही तो है, एक दिन तो पता लगना ही है। तुम मेरे डैड को नहीं जानते, जिस दिन उन्हें पता चला ना, उस दिन हमारे मिलने का आखिरी दिन होगा। प्रिया, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि हमारे प्यार के बीच अगर कोई भी तूफान आया तो मैं उससे टकरा जाऊंगा। आए सच्ची? हाँ प्रिया। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मालती मेरा इंतजार कर रही है। ओए, मेरा नाम क्या है? अबे जाना यहाँ से। अरे बता ना। कहाँ ना, जा यहाँ से। अरे बता ना, बता मेरा नाम क्या है? तेरा नाम? हाँ याद आया, विष्णु चड्डा। चड्डा? मैं चड्डा, मैं चड्डा है, चड्डा मैं हूँ, चड्डा अब मेरा नाम चड्डा है, चड्डा चड्डा है, चड्डा Thank you.
अरे जल्दी जल्दी करो जल्दी। अरे ढंग से रखो इसको सामान को, गिरा मत देना, आराम से, बहुत कीमती सामान है ये। ये मालती यहाँ पे क्या कर रही है? मालती चले देखे एक मिनट। मालती देखा नहीं बताएगी? लाखा रुक रुक, मैं तुमसे प्यार से पूछता हूँ, सच सच बता, तुम यहाँ पर क्यों आई थी और कौन है तुम्हारे साथ? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानती। बता। कुछ नहीं जानती भगवान, लाखा ये कुछ नहीं बोलेगी, लेके जा और खत्म कर इसे, लेके जा। तो छोड़ लो, मैं नहीं जानती। लाखा इसे क्यों मार रहे हो? दीदी दीदी। ओहो आप भी यहाँ, मुझे बता सकती हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम कौन होते हो पूछने वाले कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम हमारे मालिक की बेटी हो, लेकिन इस इलाके में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, और यहाँ जो भी आता है हम उसे खत्म कर देते हैं। तो तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इन लोगों ने मुझे बहुत मारा दीदी। अरे शुक्र मना, तुझे सिर्फ पीटा है, हम तो काट कर फेंक देते हैं जो इधर आए। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है हमें। चलो रुक, चल जाने दे। आ किशोर के 6,700 और राठौर सर भी परसों ना दिए जब तुम वो खा रहे हो चाय पी रहे जब ये 1500 रुपए ओम प्रकाश। अच्छा है? और ये पप्पू मोबाइल वाला 12,500। आगे बताओ। वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट। अरे ये भी सुबह सुबह कामदेव हो रही है भाई। क्या हो गया मुंशी? हाँ जी हाँ जी, कुछ कुछ नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं। मेरे बारे में कुछ कह रहे हो? कुछ तो कह रहे हो, कुछ जानते हो इसके बारे में? इसको एक्सरसाइज बोलते हैं। खुद की शक्ल देखी है कभी आईने में? पेट को देखो, पेट का साइज 9 महीने का लेके घूम रहे हो। अब अंदर करने से सांस खींचने से कुछ नहीं होगा, आओ एक्सरसाइज करो आके मेरे साथ। तुम ही करो, फालतू चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। रोज रोज का ड्रामा यही है। आओ मुन्ने मुझे। हाँ जी चलो। प्रिया, मैं भी देखता हूं आखिर तुम कब तक नहीं आती। प्रिया
प्रिया तुम आ गई? विराट तुम यहां कैसे? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं प्रिया का इंतजार कर रहा हूं। ये क्या बार बार प्रिया प्रिया की रट लगा रखी है? कौन है ये प्रिया? प्रिया प्रिया मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हाँ वो तो तेरी हालत देख के लग ही रहा है, लेकिन प्यारे ये प्यार पानी के उस बुलबुले की तरह है जिसमें दिखाई तो सब कुछ साफ साफ देता है लेकिन जब फूटता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। प्यार क्या है ये तुम क्या जानो? प्यार करने के लिए प्यार भरा दिल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है।
चाहा है तुझको चाहता रहूंगा कुछ भी हो अंजाम। हाँ चाहा है तुझको चाहता रहूंगा कुछ भी हो अंजाम। याद किया तुम्हें रब से ज़्यादा, याद किया तुम्हें रब से ज़्यादा, मैं तो हूँ अनजान, मैं तो हूँ अनजान। क्या हिमाकत है जगीरा? ये जगीरा का स्टाइल है, हंसाता हूँ रुलाता हूँ प्यार से सहलाता हूँ। अगर जगीरा से कोई गद्दारी करे उसे मौत की आगोश में सुलाता हूँ। मुद्दे पे आओ और काम की बातें करो। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। रणबीर कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। मेरा आदमी शंकर तुम्हारे पास माल की डिलीवरी के लिए गया, वो अभी तक वापस नहीं पहुंचा। लेकिन शंकर तो उसी दिन माल लेकर चला गया था। उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। ये भी हो सकता है कि माल लेके शंकर गोल हो गया हो और उसने आपको धोखा दिया हो। हाँ जगीरा, हाँ हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे धंधे में ईमानदारी चलती है, फिर हम आपके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शंकर को तो मैं पाताल से भी ढूंढ लूंगा। अगर तुमने गद्दारी की तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारे फरिश्ते भी कांप उठेंगे। गद्दारी हमारी फितरत में नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, सच सामने आना चाहिए, समझे? चलो लाखा। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उनके बहुत सारे काम हैं। अरे छोड़ो ना, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गए हो? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुम भी पता नहीं क्या बात लेकर बैठ गई। मैं क्या लेकर बैठी हूँ? और नहीं तो क्या, कब से देख रहा हूँ तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कल क्या हुआ है। क्या हुआ? कल तो मैंने संभाल लिया, पर सोचती हूँ अगर पापा को पता चल गया तो क्या होगा। तो ठीक है, तुम्हारे पापा से बात कर लेते हैं। कैसी बात? हमारी शादी की। तुम नहीं समझते कृष्णा, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। तो ठीक है, तुम सोचती रहो और मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो तो कृष्णा। क्या करूँ? अरे सुनो, तुम फिर आ गए। अरे क्या नाम है मेरा? तुम पागल हो गया? अरे बताओ ना, अरे बताओ ना। बाहर में जाओ, बाहर में जाओ, बाहर में जाओ, बाहर में जाओ, मेरे साथ बाहर में जाओ, बाहर में जाओ। ओ क्या नाम है मेरा? कहाँ से आ रही हो मेरी जान?
अपनी जबान को लगाम दो लाखा और मेरे रास्ते से हट जाओ। रास्ते में तो तू आई है मेरे। हमारे टुकड़ों पर पलता है और मुझे आंख दिखाता है। अभी डैड को तेरी सारी हरकतें बताती हूँ। डैड को तो तब बताएगी जब यहाँ से बचकर जाएगी। आ, मेरी जान। तुझे छोड़ूंगा नहीं। कृष्णा, कितना खून बह रहा है। फिर देखें चल। क्या चल रहा था भैया? और वो लड़का कौन था? साला अपनी प्रिया का आशिक रंग रलियां मनाती घूम रही है। मुझ में क्या कांटे लगे थे? साले वो अपने मालिक की बेटी है, मालिक की बेटी। अगर उसे पता चल गया ना, तेरे टुकड़े करके चील कौवे को खिला देगा। और तेरी जो अय्याशी की आदत है ना, साले तुझे तो मरवाएगी, एक दिन मुझे मरवा के छोड़ेगी। अबे जा साले जा, बात करता है दोस्तों पे जान देने की, डरपोक साला। डरपोक, अबे तुझे मरना है तो मर, मैं तो चला। जा जा
दोस्ती की बात करता है? बुझ दिल साला। प्रिया, अरे ये सब कैसे हुआ बेटा, और तुम्हें ये चोटें कैसे आई? बेटा ये कौन है प्रिया? माँ ये कृष्णा है, ये नदी के उस पार रहता है। अरे वो तो ठीक है, पर ये सब हुआ कैसे? कौन है वो जिसने चौधरी रणवीर सिंह की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है? लाखा। नहीं लाखा, नहीं ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ पापा, अगर आज कृष्णा ना होता तो मेरी इज्जत। गायत्री तुम इनको अंदर लेके जाओ, मैं उस साले लाखा को देखता हूँ। जाओ। प्रिया कल तुम फिर मुझे मिलने आओगे ना? आऊंगी, तुम बांसुरी बजाओगे तो जरूर आऊंगी, पर कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं? भरोसा है कृष्णा, पर इन दुनिया वालों ने रोमियो को जूलियट से और ही को रांझे से कभी नहीं मिलने दिया। बस बस प्रिया आगे कुछ मत कह, मैं तेरे लिए सारी दुनिया से टकरा जाऊंगा। आंटी चलता हूं मैं। मालिक मालिक मेरी बात सुनिए मालिक, प्रिया प्रिया खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया, मेरे टुकड़ों पर पलकर मेरी ही इज्जत पर हाथ डालता राम जाते। गोली मार रही है तो मार दिया मालिक, अगर सच सुनोगे मालिक आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी मालिक। हाँ मालिक, हाँ मैंने अपनी प्रिया को किसी कृष्णा नाम के लड़के के साथ देखा है। बस करो राम जाते। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा मालिक, नौकर हूँ ना आपका। लाखा, अगर ये बात झूठ निकली तो जो भी आप कहें मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ मालिक, सच्चाई सामने लाने का मौका तो दीजिए मालिक। लाखा ठीक है, मैं तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ, सिर्फ 2 दिन। पागल समझा है लाखा को? बेवकूफ साला। कृष्णा ये क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। इसे तू थोड़ी सी चोट कहता है? सच बता बेटा, तुझे मेरी कसम है। नहीं माँ कसम मत दे। तू फिर मुझे सच बता। तो ठीक है माँ सुनो, कृष्णा इस बात के लिए तुम्हारे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। तो मैं क्या करूं माँ? राम राम राठौड़ साहब। राम राम गई बाड़ में, पैसे निकालो फटाफट। नाराज क्यों होते हो राठौड़ साहब, ये लीजिए पैसे। जेब में रख रख के राम राम में जा रहा है।
अरे ये पैसे तो कमा राठौड़ जी। राठौड़ साहब समझा करो, थोड़ी दिक्कत है। थोड़ी दिक्कत है हमारे लिए भी तेरे लिए भी। अरे 15,000 रुपए और बाकी रह रहे, शाम को हवेली पहुँचा दियो। जी पहुँचा दूंगा। राम राम। राम राम। आ गए मुंशी जी के साथ किसी गरीब का खून पीकर। बताया तो था ये हमारा बिजनेस है। कितनी मेहनत से कमाते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये हमारा धंधा है, शर्म किस बात की? देखिए मालिक, अपनी बेटी को देखिए। आपको मेरे पर विश्वास नहीं था ना मालिक? देखिए अपनी आंखों से देखिए मालिक, देखिए। संभालो इसे। अजी क्या हुआ? क्या हुआ पूछ इससे। इसको हमने इतने लाड प्यार से पाला, क्या इसीलिए कि ये हमारी इज्जत की मिट्टी करती फिरे? सुनो, आज के बाद इसका घर से निकलना बंद, समझे तू? याद में तेरी यार मेरा दिल रोता है, हो याद में तेरी यार मेरा दिल रोता है। आशिकों के साथ ये रब क्यों होता है, होता है, होता है। याद में तेरी यार मेरा दिल रोता है, याद में तेरी यार मेरा दिल रोता है। याद में तेरी यार मेरा दिल रोता है। प्यार में तेरे यार मेरा दिल रोता है, प्यार में तेरे यार मेरा दिल रोता है। आशिकों के साथ ये रब क्यों होता है, होता है, होता है। प्यार में तेरे यार मेरा से दूरी, तू क्या जाने क्या मजबूरी। सही ना जाए तुझसे दूरी, तू क्या जाने क्या मजबूरी। रख भरोसा किस्मत पे, तू होगी अपनी चाहत पूरी। मुझ पे कर एतबार यार क्यों रोता है, रोता है, रोता है। प्यार में तेरे यार मेरा दिल रोता है, याद में तेरी यार मेरा दिल रोता है। आशिकों के साथ ये रब क्यों होता है, होता है, होता है। प्यार में तेरे यार मेरा दिल रोता है।
याद में तेरी हो गया रोगी, प्यार में तेरे बन गया जोगी। याद में तेरे हो गया रोगी, प्यार में तेरे बन गया जोगी। आंसू बन कर अरमा बह गए, और सजा क्या मुझको देगी। आजा तू एक बार, मेरा दिल रोता है, दिल रोता है, दिल रोता है। याद में तेरी यार, मेरा दिल रोता है। याद में तेरी यार, मेरा दिल रोता है। तुझे संग प्रीत की डोरी, ओ, 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 तू चंदा में तेरी चकोरी, बांधी तुझे संग प्रीत की डोरी। चाहे कयामत आए कोई, साथ ना छोड़ो मन मोही। आ गई मैं तेरे पास, सब्र क्यों खोता है, खोता है, खोता है। प्यार मेरा दिल रोता है, प्यार में तेरे यार मेरा दिल रोता है। आशिकों के साथ ये रब क्यों होता है, होता है। प्यार में तेरे यार मेरा दिल रोता है, प्यार में तेरे यार मेरा दिल। प्रिया दीदी कृष्णा को लेकर कितना परेशान रहती हैं। मुझे इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, आप मेरे को जाना है। अगर घर वालों को पता चल गया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। अरे मालती मेरा इंतजार कर रही है, अगर लेट हो गई ना तो बेचारी। अरे कुछ नहीं होगा। अच्छा बोल, तो ऐसे रहो जैसे ज्योतिष हो। तुम्हारे प्यार ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। अब मक्खन लगाना बंद करो और मुझे जाने दो। ठीक है जाओ, लेकिन तुम कल फिर मुझसे मिलने आओगी ना? अगर तुम नहीं भी बुलाओगी ना तो भी मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। चले। तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुन के तो मैं जरूर आऊंगी। चलो ठीक। गायत्री! हाँ जी, क्या हुआ? प्रिया कहाँ है? प्रिया? प्रिया अपने कमरे में सो रही होगी। अच्छा? हाँ जी। अभी देखता हूँ। हाँ जी, कुछ हुआ भी? अजी मुझे भी तो बताओ। अजी अब तो होगी तसल्ली। अगर प्रिया यहाँ है तो फिर प्रिया सोने दो जी। चुप। सोने दो जी। प्रिया, प्रिया। मालती, तुम प्रिया के बिस्तर में क्या कर रही हो? प्रिया कहाँ है? मुझे पता है वो कहाँ है। तूने हमें धोखा देने की जरूरत की? मुझे माफ कर दो मालिक, प्रिया दीदी कृष्णा के साथ। चुप। अगर आगे जुबान खोली कहीं ऐसा ना हो कि हम तेरे साथ कुछ गलत कर बैठे। निकल जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों से, और आज के बाद
इस घर की तरफ रुख मत करना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा उसका, कुछ तो करना पड़ेगा। अजी सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? पापा वो ये होयो। अंकल आप हमें गलत समझ। चुप कर आराम जाते। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। तेरा जिंदा रहना हमारी इज्जत के लिए ठीक नहीं। पापा वो इसको इतना मारो कि इसके सर से प्यार का भूत उतर जाए। पापा उसे छोड़ दो, पापा वो उसे मार डालेंगे। चला था प्यार करने साला, आ रहा है ना मजा बेटा? कैसा लग रहा है साला मजनू की औलाद? कृष्णा कृष्णा इसे अंदर ले चलो। क्या हुआ कृष्णा? कृष्णा को क्या हुआ? मेरा बच्चा क्या हुआ मेरे कृष्णा को? कृष्णा कृष्णा मेरे बेटे तुझे क्या हुआ? कृष्णा बोल तो मेरे बेटे। बोल मेरा बच्चा। ये तुझे क्या हुआ? हे भगवान। बोलता क्यों नहीं है? उठ कृष्णा। कृष्णा की माँ ये प्रिया कौन है? कृष्णा की माँ, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इससे आगे कुछ नहीं बोलना। रणवीर, रणवीर बाहर निकल। रणवीर आए। रणवीर ये तूने ठीक नहीं किया। अगर मेरे कृष्णा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं देवराज। अगर तेरा बेटा इस तरफ आया ना तो उसकी लाश ही नहीं, तुझे उसकी राख भी नसीब नहीं होगी। तू क्या समझता है कि हम झुक गए? पर तू क्या जाने, प्यार मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है? तू तो सिर्फ पैसे का दास है, पैसे का। बस हमारी हवेली के अंदर कुत्तों को भी ऊंची आवाज में भौंकने की इजाजत नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, पर तुम ये मत समझना कि हमारे हाथ बंधे हैं। अगर मेरे कृष्णा को कुछ हुआ तो मैं इस हवेली में खून की नदियां बहा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। बौखला गया है बेचारा, बेटे की चोट देखकर बौखला गया है। जग्गा गाड़ी निकालो। जग्गा
प्रिया तू ऐसे कब तक रोती रहेगी बेटा? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं कृष्णा की याद में ऐसे ही रोती रहूंगी। तू पागल तो नहीं होगी बेटा? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं नहीं रह सकती कृष्णा के बिना। मुझे प्लीज उसके पास जाने दो। ये कभी नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? ये कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आओ बेटे आओ, कैसा चल रहा है तेरा काम? अच्छा चल रहा है डैड। अरे वो क्लाइंट को फोन करने को कहा था क्या? हाँ मैंने उसे कॉल की थी, वो कह रहा था कि टाइम से डिलीवर कर देगा। दो चार और नंबर ले लेना। ओके जी, बाकी तुम संभाल लेना। जी डैड। नमस्कार, आइए आइए रणवीर जी, कैसे आना हुआ? हम गरीबों की याद कैसे आ गई आपको? अरे भाई बस ऐसे ही आपकी याद आई और हम मिलने चले आए। बैठिए 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 अंकल। बेटा ये रणवीर जी हैं, शहर के जाने माने बिजनेसमैन। जानते हो इस इलाके में इन्हीं का इशारा चलता है। रणवीर जी ये मेरा बेटा रोहित है, अभी अभी विदेश से लौट के आया है पढ़ाई कर। मेरा कारोबार भी यही संभालता है। जी अंकल। बहुत मेहनती है ये। गुड। अरे भाई हम आपके घर पे आए हैं, कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं? ओह शिट, सॉरी अंकल, वो क्या है ना, बातों बातों में पता ही नहीं चला। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ। सॉरी सर, मैं भी बात करने में भूल ही गया था, बताइए। अरे नहीं करमचंद जी, नाश्ता पानी तो एक बहाना था रोहित को बाहर भेजने का। सही में तो हम आपसे अपने दिल की बात करने आए हैं। बात करने आए हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आप यहाँ तक आ गए, मेरे घर तक? करमचंद जी मेरे घर में एक जवान बेटी है जो शादी के लायक हो चुकी है, और हर बाप चाहता है कि उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो नहीं है, बस थोड़ा संकोच है। संकोच? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे रोहित के साथ करना चाहता हूं। क्या हुआ करमचंद जी, मेरा प्रपोजल सुनकर आप सोच में क्यों पड़ गए? सोच में तो पड़ना ही था, मैं सोच रहा हूं कि मैं तुमसे दोस्ती के नाते गले लगूं या समधी के। अरे ये क्या, इस शादी से तो मैं भी खुश रहूंगा। करमचंद तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। फिर भी एक बार अपने बेटे से तो पूछ लेते। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, मैंने प्रिया को देखा है, मैं उसे पसंद भी करता हूँ, लेकिन। लेकिन क्या बेटे? क्या वो मेरे बारे में जानती है? अरे नहीं जानती तो जान जाएगी, आखिर शादी उसकी मर्जी से ही हो रही है। तो भी ठीक है अंकल। सुन, अब से इनको पापा कहना शुरू कर दे,
जैसे मुझे कहता है। चल आशीर्वाद ले ले, आशीर्वाद ले। जीते रहो बेटे। ठीक है करमचंद जी, आज दोस्ती रिश्ते में बदल गई। अरे अंकल बैठिए ना, खाना खा के जाइएगा। नहीं बेटे, खाना तो खो गया। जिस घर में तेरी शादी हो रही ना बेटे, जानते हो वो बहुत दौलत वाले हैं। नहीं हो? किस बारे में? प्रिया बेटी के बारे में। उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती मैं। तो तुम क्या चाहती हो, कि मैं उस दो कोड़ी के लड़के से अपनी इकलौती बेटी की शादी कर दूं? इसमें बुराई क्या है? ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। तेरा काम बस इतना है कि जब तक प्रिया बेटी की डोली नहीं उठ जाती, वो घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझे तुम? अजी सुनो, कम से कम चाय तो पीते जाओ। ओहो, दुनिया भर का सामान खरीद लिया। ठीक है जल्दी करो, हमें आदमी से गधा बना दिया। अच्छे से रखो सामान, रोकते रहो। दो कपड़े क्या खरीद लिए? आपके कलेजे में आग लग गई। दो? ये दो कपड़े? हाँ हाँ, जो भी है। शादी क्यों की फिर मुझसे? उसी गलती की सजा भुगत रहा हूँ। मैं नहीं आई थी आपके घर रिश्ता लेके, आप ही आए थे मेरे यहाँ। मेरी गरीबी का फायदा उठाकर आपने मुझसे शादी की, नहीं तो तुम्हारा और मेरा क्या जोड़? तुम 55 के, मैं 25 की। मैंने कौन सा जबरदस्ती की थी? तेरे को सब पता था, इसीलिए तो आपको पति का दर्जा देती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे मेरे भी कुछ अरमान थे, मैंने भी ख्वाब सजाए थे, लेकिन तुम्हें तो चाहिए थी नई नवेली दुल्हन। चल ठीक है ठीक है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे बस कर। अरे थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर लूँ, आग लग जाती है तुम्हें तो। अरे चुप करो बाबा, माफ भी करो, मुझे माफ करो, गलती हो गई, इसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। शादी की है तो जिंदगी भर भुगतोगे। चल ठीक है ठीक है। चल रघु, तुम इधर देखो, मैं उधर देखता हूँ। मिला क्या? यार देवा, वो कबूतरी तो कहीं नजर नहीं आई। अच्छा आओ इधर देखते हैं। चल 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 चल, चीपटा की तो खोपड़ी खोल के रख दूंगा। कबूतरी कहाँ है? कबूतरी वो देख, पकड़ो उसका भी, डालो गाड़ी में। चल 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 चल। तुम लोग और ये क्या कर रहे हो? मुझे पता, अगर ज्यादा चीपटा की तो तरबूज की तरह खोपड़ी खोल के रख दूंगा। कह दी अपने मालिक से, अगर अपने परिवार की सलामती चाहता है तो जगीरा के अड्डे पे आ जाए, समझ गया? Take it, 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 take it
अब आएगा मजा। हंसाता हूँ, रुलाता हूँ, प्यार से सहलाता हूँ। अगर कोई हमसे गद्दारी करे, उसे मौत की आगोश में सुलाता हूँ। देवा, मेहमान आए हैं, बोर हो रहे होंगे, इनके मनोरंजन का इंतजाम किया जाए। बॉस, अगर हुक्म हो तो किसी नाचने वाली को उठा कर लाएं। गोरी जामन चलेगी बॉस? नहीं नहीं, आजकल वो नेता बन गई है। आजकल नेतागिरी भी अजीब चीज हो गई है बॉस, जो भी गधे घोड़े हैं सब इसमें चले आते हैं। बकवास बंद करो। हाँ याद आया, देवा सुना है तू बहुत अच्छा नाचता है। मैं बॉस? बहाने नहीं बनाने, डांस शुरू करो, वरना बहाना किया तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा। डांस। जब तक सेवा के पांव चलेंगे, आप लोगों की सांसें चलेंगी। अगर तब तक तेरा घर वाला नहीं आया, तो इधर इसके पांव रुके, इधर आपकी सांसें रुकी। प्रिया, गायत्री, जगीरा, ये सब क्या है? रणवीर सिंह जी, मैंने शंकर का पता लगाने के लिए आपको 2 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। जगीरा, शंकर तुम्हारा अपना आदमी था, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? शंकर मेरा आदमी है, वो गद्दार नहीं हो सकता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हमने की है गद्दारी? ये तो मैं नहीं जानता, मेरे साथ धोखा हुआ है, कोई तो गद्दार है। कोई तो गद्दार है, ये तो मैं भी नहीं जानता जगीरा, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं, बहुत जल्द उस गद्दार की लाश आपके कदमों में होगी। लाश नहीं, लाश नहीं, वो मुझे जिंदा चाहिए, उसकी मौत मेरे हाथों होगी। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि जगीरा के साथ गद्दारी करने का हशर क्या होता है। ठीक है जगीरा भाई, 10 तारीख को मेरी बेटी की शादी है, और अगर ये शादी समय पर नहीं हुई तो शहर के अंदर मेरी नाक कट जाएगी और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये बात है। देवा, छोड़ दो इनको। Give
सोच रहे हो? पापा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी बड़ा होकर एक दिन आपके जैसा बहुत बड़ा डॉन बनूंगा। लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार, और डॉन का बेटा डॉन। कृष्णा, कृष्णा, क्या हुआ झुमरू? तू इतना हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ तुझे? वो मैं, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? तू मेरी छोड़, प्रिया के बारे में शोध। प्रिया के बारे में क्या हुआ उसे? अरे क्या हुआ उसे? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तूने कुछ नहीं किया तो उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और कर देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ मेरे कृष्णा। तो चल। कृष्णा, अरे कहाँ जा रहा है बेटा? कम से कम बता के तो जाया कर। हे भगवान, इस लड़के ने भी ना परेशान करके रख दिया है।
पानी पियोगे? अरे पी लो, वैसे भी तुम्हारा पानी निकलने वाला है। मिक्का एंट्री मार। के बाद तेरी स्टोरी लव इज फॉरएवर नहीं, डेथ इज फॉरएवर कहलाएगी। लव इज ऑलवेज फॉरएवर। साला फट्टू चला था इश्क लड़ाने। अबे रुक, बात अभी बाकी है। क्यों बे, पता चला किसका पानी निकला? पानी और बचाया निकालू। अबे साले हरामी, तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? आऊं कैसे? जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ भागता है। बकवास बंद करो और मुझे प्रिया से मिलने दो। ए, अगर एक शब्द बोला ना, तेरी खोपड़ी खोल के रख दूंगा। तो यहाँ तक भी आ गया तू? अंकल एक बार मुझे प्रिया से मिलने दो। चुप। मैंने एक बार जिंदा छोड़कर तुझे जो गलती की है, वो दोबारा नहीं करूंगा। दफा हो जाए यहां से। जान की परवाह नहीं करता मैं, आज जा रहा हूं यहां से। लेकिन तुम सबसे डर के नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे प्यार में कितनी कशिश है। अगर मेरे प्यार में कशिश है तो प्रिया कल मुझसे फिर मिल जाएगी। जरूर आएगी, जरूर आएगी।
सुख दुख जीवन के दो पहलू, कभी आए कभी जाए, शहनाई बजती है कहीं और कहीं तन्हा रोए। शहनाई किथे फैली तन्हाई, किथे बजी शहनाई किथे फैली तन्हाई, तूने जग की निभाई रीत गोरिये, आज फिर हारी कोई प्रीत गोरी। हो हो हो, समझ गया, तुम नहीं आओगी, कभी नहीं आओगी, अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो फिर क्यों बोला था कि तुम जब भी बांसुरी बजाओगे तो मैं चली आऊंगी, तो अब क्या हो गया, तुम्हारे वादे झूठे थे या फिर मेरी बांसुरी की आवाज में वो कशिश नहीं रही जिसे सुनकर तुम थोड़ी चली आती थी। अगर ऐसा है तो आज के बाद ये बांसुरी कभी मेरे होठों तक नहीं पहुंचेगी, आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा इसे, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। दिल ना दे कोई झूठे इकरार में, मिलते हैं धोखे बस इस प्यार में। दिल ना दे कोई झूठे इकरार में, मिलते हैं धोखे बस इस प्यार में। नहीं कोई सच्चा, नहीं कोई सच्चा मन मीत गोरिये, आज फिर हारी कोई प्रीत गोरिये, आज फिर हारी कोई प्रीत गोरिये। हो लड़ाई इस संसार की,
दुनिया सारी दुश्मन इस प्यार की, कैसी ये लड़ाई इस संसार की, दुनिया सारी दुश्मन इस प्यार की, प्यार हारा जग प्यार हारा जग गया जीत गोरिये, आज फिर हारी कोई प्रीत गोरिये, आज फिर हारी कोई प्रीत गोरिये, आज फिर हारी कोई प्रीत गोरिये। साता हूँ, रुलाता हूँ, प्यार से सहलाता हूँ। जगीरा से जो गद्दारी करे उसे मौत की आगोश में सुलाता हूँ। रणवीर सिंह, लड़की की शादी पे तो तुमने नहीं बुलाया, लेकिन जगीरा अपना वादा नहीं भूलता। गद्दार कहाँ है? जगीरा, मैंने तब भी बोला था कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, आज फिर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। जगीरा की धमकी को भूल गए तुम? रणवीर सिंह अपने परिवार के लिए झुक सकता है तो अपनी आन के लिए सर काट भी सकता है। एक मिनट मालिक, शंकर को मैंने मारा है, क्या कर लेगा तू मेरा? बोलता है क्या कर लेगा तू? गद्दारी की एक ही सजा, मौत। रणवीर सिंह, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, चलो। ये क्या हो रहा है? कोई वादे कोई कसमे, कोई मजबूर हुआ नहीं कुछ बस में, तोड़े यहाँ कोई वादे कोई कसमे, कोई मजबूर हुआ नहीं कुछ बस में, कहीं टूटी कोई फिर हारी कोई प्रीत गोरिये, आज फिर हारी कोई प्रीत गोरिये। हो जाकर देखो, किसी दूसरे कमरे में होंगी।
कमरे में नहीं है। आसमान से गिरे, खजूर पर भी नहीं अटके, सीधे जमीन पे धड़ा। कितनी बार तुमसे कहा है, पर तुम बेटी के प्यार में अंधी हो गई। करमचंद जी, आप हमें माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदगी से हमें क्या, आपके शर्मिंदगी से क्या मेरी शर्मिंदगी कम होगी? ये 200 आदमी जो बारात में लाया हूँ मैं, उनके सामने हमारी इज्जत तो गई। करमचंद जी, जो कुछ हुआ है सब इसकी वजह से हुआ है। मेरी बेटी ने मेरी नाक कटवा दी। अरे अब आपस में आप लोग लड़ना झगड़ना छोड़े, अब हमें ये बताएं कि अब हम क्या करें। जो भी होता है अच्छा ही होता है अंकल। क्या कहा बेटे? हाँ अंकल, अगर प्रिया और मेरी शादी हो जाती तो हम दोनों ही पूरी जिंदगी परेशान रहते, और आप भी सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाते। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? यही सच है पापा, मैं जानता हूँ कि प्रिया किसी और को प्यार करती है, और वो भी उसे उतना ही प्यार करता है। अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई तो वो दोनों मर जाएंगे, और इस वजह से मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से दो प्यार करने वाले जुदा हो गए। शायद तू ठीक कह रहा है बेटा, हमें अपनी बेटी की जान बचानी चाहिए और उसे उसका प्यार लौटा देना चाहिए। तुम इतने जल्दी इतने बड़े हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे गर्व है तुम मेरे बेटे। थैंक यू पापा। कृष्णा अपनी बांसुरी को अपने से कभी जुदा नहीं करता था, मुझे पता है तुम यहीं गई हो। कृष्णा करार में कहाँ हो तुम? कृष्णा मिलते हैं धोखे बस इस प्यार में, नहीं कोई सच्चा, नहीं कोई सच्चा मन मीत गोरिये। आज फिर हारी कोई प्रीत गोरिये, आज फिर हारी कोई प्रीत गोरिये। कृष्णा, प्रिया, तुम आ गई प्रिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे कभी मिल पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो कृष्णा, मैं तुमसे अलग होके एक पल भी नहीं रह सकती, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। सब कुछ छोड़कर चली आई? लेकिन आज तो तुम्हारी शादी होने वाली थी। हाँ, वो शादी नहीं आत्महत्या होती, और ये शादी का जोड़ा ये मेरे लिए कफन होता, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। इससे क्या होगा, ये दुनिया हमें कभी साथ साथ नहीं जीने देगी। मुझे पता है ये दुनिया हमें साथ नहीं रहने देगी, पर हम साथ मर तो सकते हैं। हाँ प्रिया, शायद तुम ठीक कह रही हो, हम साथ साथ जी तो नहीं सकते लेकिन मर तो सकते हैं। चले आओ, इस नदी की गोद में समाकर हम ऐसी दुनिया में चले जाएं
जहां हमें जुदा करने वाला कोई नहीं होगा, बस सिर्फ हम दोनों होंगे। चौधरी जी, चौधरी जी, क्या हुआ? देखो जमुना में कोई कूदे है। चलो उनके, यो क्या हुआ? रोज तरीकी, चलो चलो चलो। प्रिया रुक जाओ बेटे, वो लोग फिर से आ गए हैं, वो हमें जुदा कर देंगे। प्रिया बेटा रुक जाओ बेटा, प्रिया रुक जाओ, प्रिया रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। रुक जा बेटा, कृष्णा तू क्या कर रहा है बेटा? प्रिया रुक जा, अरे बेटा रुक जा, अरे ऐसा मत करो। कृष्णा रुक जा बेटा, रुक जा, ये तू क्या कर रहा है कृष्णा? लो कर लो प्यार, जा तू भी जा। अरे मार दे, अरे बस, आज आज ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अरे अरे चौधरी, अरे मन नहीं मार, बच गए भाई, अरे बच गए। कृष्णा कृष्णा मेरा, तू ठीक है कृष्णा? कृष्णा 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 कृष्णा, उठो। क्या हुआ कृष्णा? मेरी बच्ची कृष्णा, तू ठीक है ना? बेटा तू ठीक तो है? प्रिया बेटा, बेटा अंकल आपने क्यों बचाया? नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, रणवीर तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। नहीं देवराज, हमने तेरे बेटे की जान नहीं बचाई, हमने अपने बेटे की जान बचाई है। अरे दामाद भी तो बेटा ही होता है ना। बेटा तो ठीक तो है कृष्णा? प्रिया तू ठीक है ना? तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, धन्यवाद बेटा। अगर आज आप समय पर नहीं पहुंचते तो हम अपनी इकलौती बेटी को खो चुके होते। यह तो मेरा फर्ज था, काश मैं उस समय भी सही टाइम पे पहुंच गया होता। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो, जीते रहो। देवराज जी, मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे बेटे के हाथ में दे रहा हूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। खुश रहो, चिरंजीव रहो। चौधरी साहब, चौधरी साहब, अब तो हमने तारे बच्चे बचा लिए, अब तो हमारे गुरुजी का प्लाट उनके नाम कर दो। दोस्त, आज से आपका प्लाट आपका हुआ। धन्यवाद। मजा आ गया गुरुजी।